हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आपका मेरे चैनल क्रेजी जिंदगी में स्वागत है। तो आज हम जो बनाने वाले हैं वो है मशरूम और मटर की सब्जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, मशरूम बनाने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत होगी वो है मशरूम, मटर, प्याज, टमाटर और ये इसमें है हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, जीरा, हरा धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, ये पीली पीली हल्दी और ये नमक। हाँ, तो सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को ले लेंगे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। इन तीनों को इन्हीं फॉर्मेट में पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में और अलग अलग ही रखेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो हमने तीनों चीज़ पीस ली है। ये देखिए, ये प्याज है, ये टमाटर है और ये बाकी की चीज़ें है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इसमें हमने थोड़ा पानी डाल के पीसा है ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हम कढ़ाई रख देंगे गैस के ऊपर और गैस को चालू कर देंगे और डालेंगे इसके अंदर तेल। मैं इसमें कच्चा तेल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा तेल डाल देता हूँ जिससे कि अपनी सब चीज़ को उसके अंदर आराम से फ्राई कर पाऊँ। देखिए, मैंने इसमें 5-6 चम्मच तेल डाल दिया है। अब तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद फिर हमें इसमें जीरा डालना है और थोड़े से स्वाद के लिए मैं इसमें फ्लेवर के लिए हरी मिर्च डालूंगा। तो अभी हमारा तेल गर्म हो रहा है। धुआं निकलने लगा इसमें से, अच्छे से अब तेल गर्म हो गया हमारा। तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे। देखिए, मैंने जीरा डाल दिया, 1 चम्मच जीरा डाल दिया इसमें तड़के के लिए। और ये मैंने जो हरी मिर्च आपको बताई, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये मैंने 2 हरी मिर्च काटी है, ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब इसको गैस को स्लिम कर देंगे, स्लो गैस पर इसे धीरे धीरे होने देंगे ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाएगा और इसका फ्लेवर भी आराम से आ जाएगा और ये जलेगा नहीं। जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस इसको थोड़ा सा और होने देंगे ताकि पूरी तरह से हो जाए। देखिए, अभी ये हो गया अच्छे से, इसमें से धुआं निकल रहा है। अगर हम अब हम इसे ज़्यादा करेंगे तो ये जल भी सकता है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे। प्याज का जो पेस्ट बना के रखा था, ये प्याज के पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे। प्याज का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देते हैं। हमने प्याज इसके अंदर डाल दिया। फिर इसको थोड़ा सा हिला देंगे और इसको 1 से 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम प्याज को अपना ऑयल छोड़ने में। तो तब तक का वेट करेंगे, 1-2 मिनट इसको होने देंगे, तब तक ये गर्म होके अपना ऑयल छोड़ देगी अच्छे से। और अब हमारी प्याज बढ़िया करके गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब इसमें अब हम ये जो हमने टमाटर की क्योरी बना के रखी थी, इस क्योरी को इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर की क्योरी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको भी मिक्स कर देंगे। टमाटर की क्योरी के साथ साथ जो हमने ये हरी मिर्च अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था, इसको भी डाल देते हैं साथ ही में, ताकि ये आराम से दोनों चीज़ साथ में हो जाएगी एक साथ ही। अब ये सब चीज़ हमने इसके अंदर डाल दिया, जो भी हमने मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके रखा था वो सब इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अच्छे से हिला देंगे एक बार और 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, जिससे कि अच्छे से अपना ऑयल छोड़ देंगे।
और बढ़िया करके फ्लेवर दे देंगे इसमें। देखिए अब हमारा ये पूरा पेस्ट जो है बढ़िया कलर करके इसने अपना ऑयल छोड़ दिया और बढ़िया कलर आ गया इसका, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया आप देख पा रहे जैसा कि। तो अब मैं इसके अंदर मसाले डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा हल्दी, तो हल्दी हमें सिर्फ आधी चम्मच डाल दिया मैक्सिमम, हल्दी का ज्यादा काम नहीं है इसमें। हल्दी मैंने डाल दिया इसके अंदर आधी चम्मच। इसके बाद डालेंगे हम लाल मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर दो चम्मच। मैं एवरेस्ट का लाल मिर्ची पाउडर यूज करता हूँ, अगर आप कोई और यूज करते तो उस हिसाब से डालिएगा, क्योंकि सबका अलग अलग फ्लेवर होता है, अलग अलग तरीके से टेस्ट आता है। और इसके बाद डालेंगे हम धनिया पाउडर, हरा धनिया पाउडर, जो कि एक बड़ा चम्मच डाल रहा हूँ मैं इसमें, और एक चम्मच और डाल देता हूँ इसके अंदर ताकि इसमें बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा और बढ़िया कलर आ जाएगा। और मैं इसको ये डाल लेता हूँ, मिक्स कर देता हूँ बढ़िया से। देखिए मैंने इसे बढ़िया करके मिक्स कर दिया है। अब इसको इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि ये क्योरी हमारी थोड़ी ज़्यादा हैवी हो गई है, गाढ़ी हो गई है मतलब। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल ऐड कर देंगे, इसे थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर से आराम से ही अब मिक्स गया, हवा को निकलने के लिए स्पेस मिल जाएगा, तो वो उछल के बाहर नहीं आएगी। और इसको आप आराम से होते हुए देख सकते हैं। तो मसालों को होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस खाली एक से डेढ़ मिनट का टाइम लगेगा। तो सिर्फ एक से डेढ़ मिनट आपको वेट करना है इसके लिए। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर ये मटर और मशरूम डालने हैं। हाँ, तो हमने एक मिनट तक ये मसालों को भी कर लिया है, और मसालों ने अपना बढ़िया कलर करके अपना कलर भी छोड़ दिया है, और ऑयल जो मसालों का ऑयल होता है जो बहुत मेन होता है सब्जी में, वो बाहर आ गया है। अब सब्जी हमारी सॉफ्ट हो गया है, जो हमने ग्रेवी बनाई है पूरी ग्रेवी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हमें इसके अंदर मटर और मशरूम डालने हैं बस। ये हमने मटर लिया, ये मटर हम डाल देते हैं इसके अंदर, मटर डाल दी। उसके बाद हम ये मशरूम लेंगे और ये मशरूम को भी डाल देंगे। तो मशरूम और मटर की सब्जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। देख क्या बढ़िया दिख रही है, ये बढ़िया ग्रेवी वाली मशरूम मटर की सब्जी। ओए ओए ओए, मजा आ गया। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज, अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम डालेंगे जितना हमने मिर्ची डाली है, यानी दो चम्मच, एक और ये दो छोटे चम्मच नमक के। लास्ट में हमने नमक डाला है इसमें, क्योंकि नमक का लास्ट में ही पता चलता है कि कितनी सब्जी बनी है, उस हिसाब से नमक को लास्ट में डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, तो अच्छा रहेगा, वरना कभी ज़्यादा कभी कम भी हो सकता है। इसलिए मैं लास्ट में डालना ही प्रेफर करूँगा आपको। और अब आप सब्जी देख सकते हैं क्या बढ़िया दिख रही है। बस इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे, हम इसे ढक देते हैं ताकि ये 5 से 10 मिनट बाद जब हम इसे देखेंगे तो हमारे मशरूम और मटर दोनों चीज़ बढ़िया करके सॉफ्ट हो गए होंगे और खाने लायक हो गए होंगे, टाइट नहीं रहेंगे। तो तब तक के लिए इसे ढक देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, सब्जी बढ़िया कलर करके उबल गई है, और कलर भी क्या बढ़िया आ गया है। और आप देख पा रहे हैं सब्जी, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखिए क्या बढ़िया लग रही है, टेस्टी।
अब मैं इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल देता हूँ ऊपर से, बस ऐसी फ्लेवर के लिए। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डाले, अगर है तो डाल दे, वरना कोई बात नहीं। मैं एक चम्मच इसमें सब्जी मसाला डाल देता हूँ और इसको वापस एक बार हिला लेता हूँ। और हमारी ये सब कुछ मटर और ये सब कुछ सब सॉफ्ट हो गया एकदम। बस अब मैंने ये सब्जी मसाला डाला, अब इसको एक मिनट और होने देंगे और उसके बाद इसे अपने हिसाब से सर्व कर ले और जिस मर्जी से खाए, रोटी से, चावल से, या ऐसे ही खाना चाहते हैं ऐसे भी खा ले, आपकी मर्जी है। हाँ जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो अलग अलग कंटेंटों पे जो वीडियो आने वाली है उन तक आप जल्दी से जल्दी और आसानी से पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।